हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्पोर्ट। आज इस वीडियो में हम लोग विलियम शेक्सपियर को एज अ ड्रामेटिस्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन लाइफ एंड वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर। हमारा आंसर है, विलियम शेक्सपियर वॉज द ग्रेट इंग्लिश प्लेराइट एंड पोइट ड्यूरिंग द लेट 16th एंड अर्ली 17th सेंचुरी। विलियम शेक्सपियर बहुत ही ग्रेट इंग्लिश प्लेराइट और पोएट थे 16वीं और अर्ली 17th सेंचुरी के दौरान। ही इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट। उन्हें रिगार्ड किया जाता है जैसे कि वो ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट हैं ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के, इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर के क्षेत्र में। ही वॉज बॉर्न इन, उनका जन्म हुआ था, ही वॉज बॉर्न इन 1564 इन स्ट्रेटफोर्ड इंग्लैंड। ही वॉज सन ऑफ जॉन शेक्सपियर एंड मेरी आर्डन। विलियम शेक्सपियर का जन्म 1564 को स्ट्रेटफोर्ड इंग्लैंड में हुआ था और उनके पापा का नाम था जॉन शेक्सपियर, उनके पिता थे, और उनकी माता थी मैरी आर्डन। विलियम शेक्सपियर वॉज द थर्ड सन अमंग द 8 चिल्ड्रेन ऑफ जॉन शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर अपने 8 भाई बहनों में से तीसरे नंबर पर थे। वह अपने पिता जॉन शेक्सपियर के तीसरे चाइल्ड थे। द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ जॉन शेक्सपियर वॉज नॉट गुड टू एजुकेट हिज चिल्ड्रेन इन प्राइवेट स्कूल, सो ही यूज्ड टू सेंड हिज चिल्ड्रेन टू अ गवर्नमेंट स्कूल एट स्ट्रेटफोर्ड। तो विलियम शेक्सपियर के जो पिता हैं जॉन शेक्सपियर, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, इसीलिए ये अपने चिल्ड्रेंस को एक प्राइवेट स्कूल में उन्हें शिक्षा नहीं दिला पाए, पर उनके जो बच्चे थे वो गवर्नमेंट स्कूल जाते थे स्ट्रेटफोर्ड में ही। विलियम शेक्सपियर गॉट हिज प्राइमरी एजुकेशन एट हिज नेटिव स्कूल। विलियम शेक्सपियर को भी उनकी प्राइमरी शिक्षा जो थी, प्राथमिक शिक्षा, वो उनके नेटिव, उनके देहाती स्कूल में ही मिली थी, बट कुड नॉट गेट हायर एजुकेशन ड्यू टू फाइनेंशियल स्टेटस। और उन्होंने हायर एजुकेशन नहीं ले पाया उन्होंने, क्योंकि उनके पिता की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। इन द बिगिनिंग शेक्सपियर वॉज एन एक्टर। स्टार्टिंग में विलियम शेक्सपियर एक एक्टर थे एंड मेंबर ऑफ अ ट्रेवलिंग थिएटर, और वह एक ट्रेवलिंग थिएटर के मेंबर भी थे। लेटर ही बिकेम अ पार्ट ऑफ द ऑनर ऑफ ग्लोव थिएटर एंड स्टार्टेड हिज ड्रामेटिक करियर। और बाद में उन्होंने ग्लोव थिएटर का एक ऑनर का पार्ट बने और उनका जो ड्रामेटिक करियर था उनकी शुरुआत हुई। ही रॉट अबाउट 37 प्लेज। उन्होंने टोटल 37 प्लेज लिखे हुए हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उन्होंने कितने प्लेज लिखा है, तो आंसर हो जाएगा 37। ड्यूरिंग इन द कोर्स ऑफ हिज ड्रामेटिक ऑथरशिप, अपने करियर के दौरान उन्होंने टोटल 37 प्लेस लिखा है। हिज प्लेस कैन बी ग्रुप्ड इन मेनली 4 पीरियड्स, और उनके जो प्लेस है उन्हें 4 भागों में बांटा जाता है, 4 काल क्रमों में डिवाइड किया गया है। हिज फर्स्ट पीरियड सपोज टू बी फ्रॉम 1588 टू 1595, और उनका जो फर्स्ट पीरियड है उसे 1588 से लेकर के 1595 तक माना जाता है। वेन ही रोट रिचर्ड फर्स्ट, सेकेंड है ये एक्चुअली में, रिचर्ड, यहाँ इट है एक्चुअली में, यहाँ पे 3 होना चाहिए, कॉमेडी ऑफ एरर्स, लव लेबर्स लॉस्ट, टू जेंटलमैन ऑफ वरोना, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम एंड रोमियो एंड जूलियट एटसेट्रा। तो उन्होंने अपने फर्स्ट पीरियड में ये सारे कुछ प्लेस को लिखा था। द सेकेंड पीरियड इज सपोज टू बी फ्रॉम 1595 टू 1601, इनका प्लेस का दूसरा पीरियड है 1595 टू 1601, विच इंक्लूड फेमस कॉमेडीज, जिसमें से इंक्लूड है विलियम शेक्सपियर के कुछ फेमस कॉमेडीज, जिसमें शामिल है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मच अडो अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट। ये सारे प्लेस इनके सेकेंड प्लेस पीरियड में शामिल है। He also wrote some historical plays. उन्होंने कुछ historical plays भी लिखा है during this period, इसी period के दौरान, जिसमें शामिल है
किंग जॉन, हेनरी फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ. द थर्ड पीरियड इज कंसिडर्ड बिटवीन 1601 एंड 1602. तो इनका जो थर्ड पीरियड है प्लेस का, वो स्टार्ट होता है 1601 में और इसकी एंडिंग होती है 1608 में. व्हेन शेक्सपियर रोट हिज फेमस ट्रेजेडीज आर, जब उन्होंने अपने तीसरे पीरियड में कुछ फेमस ट्रेजेडीज लिखा हुआ है, जिसमें शामिल है जूलियस सीजर, हेमलेट, किंग लेयर एंड मैकबेथ. द फोर्थ पीरियड इज कंसिडर्ड आफ्टर 1608. और जो फोर्थ पीरियड है वो कंसिडर्ड किया जाता है 1608 के बाद में. When Shakespeare wrote his famous romantic plays, जब उन्होंने अपने famous romantic plays को लिखा, जिसमें शामिल है The Winter's Tale, The Tempest, etc. Shakespeare produced many plays during the Elizabethan age. Shakespeare ने Elizabethan age के दौरान बहुत सारे work को produce किया, which are still entertaining to audience, और जो कि अभी तक audience को entertain कर रहे हैं. He was the first playwright to weave comic elements into tragedies. और William Shakespeare ऐसे पहले व्यक्ति हैं, ऐसे पहले dramatist हैं, जिन्होंने अपने tragedies में comic elements को शामिल किया. William Shakespeare was a leading playwright. William Shakespeare एक leading playwright थे of the Elizabethan period. Elizabethan period के दौरान. He was a finest dramatist. वो एक finest dramatist थे. Who began his career as a play actor. और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक प्ले एक्टर के रूप में किया था. He was a gifted writer. वो एक gifted writer थे, मतलब कि राइटिंग का जो स्किल है वो विलियम शेक्सपियर को गिफ्टेड था गॉड के द्वारा. Contribution to the development of drama is considered notable. और जो विलियम शेक्सपियर का contribution है drama के field में, वो काफी notable है. He occupied the position of the greatest dramatist. और उन्हें greatest dramatist कहा जाता है. उन्होंने occupy किया है ये position in the field of English literature, English साहित्य की दुनिया में. He was also a great sonneteer. और वह सिर्फ एक English dramatist ही नहीं थे, greatest English dramatist ही नहीं, बल्कि वह एक popular sonneteer भी थे. उन्होंने बहुत सारे sonnets भी लिखा है. Who has contributed 154 सोनेट्स, इन्होंने टोटल 154 सोनेट्स लिखा है टू द इंग्लिश लिटरेचर, इस इंग्लिश लिटरेचर की दुनिया में. सो वी कैन से दिस इज अ बिग नेम इन द फील्ड ऑफ सोनेट राइटर. सो हम लोग कह सकते हैं कि जब विलियम शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट्स लिखा है, तो इनका नाम काफी बड़ा है सोनेट राइटर की दुनिया में. शेक्सपियरियन सोनेट्स आर नॉट ओनली अबाउट लव. और ये भी बात काफी मायने रखती है कि शेक्सपियर के जो सोनेट्स होते हैं वो सिर्फ लव के इर्द गिर्द नहीं घूमते, बट ऑल्सो अबाउट फ्रेंडशिप. बट ये फ्रेंडशिप की थीम से भी डील करती है. द सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर आर इन डिफरेंट क्लास. और जो शेक्सपियर के सोनेट्स होते हैं वो डिफरेंट क्लास के होते हैं. फॉर दे आर द ओनली पोएम्स इन विच द ड्रामेटिस्ट स्पीक्स इन हिज ओन पर्सन. और अपने पोयम में विलियम शेक्सपियर स्पीक करते हैं अपने ही पर्सन से. शेक्सपियर हैज एड्रेस्ड, शेक्सपियर ने एड्रेस किया है हिज 106 सोनेट्स, अपने 106 सोनेट्स को टू अ यंग फ्रेंड, अपने एक यंग फ्रेंड को, एंड द रेस्ट टू अ डार्क लेडी, उसे उन्होंने एक डार्क लेडी को एड्रेस किया है. नो वन अदर देन शेक्सपियर हैज एक्सप्लोर्ड एंड एक्सपांडेड थीम ऑफ फ्रेंडशिप. और विलियम शेक्सपियर के अलावा अगर हम लोग किसी दूसरे राइटर की बात करें, तो ऐसे कोई राइटर नहीं है जिन्होंने विलियम शेक्सपियर से ज्यादा एक्सप्लोर किया है, एक्सपांड किया है फ्रेंडशिप के थीम को. कहने का मतलब है कि विलियम शेक्सपियर ने ही सबसे ज्यादा फ्रेंडशिप के थीम को यूज किया है थ्रू द होल अमाउंट ऑफ पोइट्री, अपने पूरे पोइट्री में. एक्सीलेंस ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट्स, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, डबल एल ई है, बट यहाँ पे लाई होना चाहिए. Shakespearean sonnets lie in the rare beauty of the images and style he has introduced in his sonnets. William Shakespeare ने अपने sonnets में बहुत सारे images को use किया होता है और styles को use किया है, और यही सारी चीजें William Shakespeare के sonnets की rare beauty है जिसे उन्होंने introduce किया है अपने sonnets में. Art of Shakespeare has been appreciated by many big critics. और William Shakespeare का जो art है उसे appreciate किया गया है बिग क्रिटिक्स के द्वारा.
सिर्फ क्रिटिक्स ही नहीं बल्कि पोएट्स एंड ड्रामेटिस्ट ने भी इनके आर्ट को अप्रिसिएट किया है, जैसे कि जॉन ड्राइडन, मैथ्यू अर्नोल्ड एंड टीएस इलियट फॉर हिज वर्सैटिलिटी इन राइटिंग टेक्निक्स. शेक्सपियर कॉन्ट्रीब्यूटेड इमेंस ग्रोथ टू द ड्रामा एंड पोइट्री ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एज. विलियम शेक्सपियर ने ड्रामा के ग्रोथ में काफी योगदान दिया है ड्यूरिंग द एलिजाबेथन पीरियड के दौरान, एंड डेट्स वाई दिस पीरियड इज कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन एज ऑफ ड्रामा. और इसी कारण से एलिजाबेथन पीरियड को गोल्डन एज कहा जाता है ड्रामा का. तो यहाँ पे हमारा जो आज का वीडियो था वो खत्म होता है, एंड आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ हो. ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.